देखिए आप, प्रोसेस कॉस्टिंग होती क्या है? प्रोसेस कॉस्टिंग इज यूज व्हेन द गुड्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम सीक्वेंस ऑफ रेपिटेटिव प्रोसेस। जब आप जो गुड्स बना रहे होते हो, जब अपना जो आउटपुट बना रहे होते हो, जब अपना प्रोडक्ट बना रहे होते हो, वो अगर मुख्तलिफ प्रोसेस से गो थ्रू होके बनता है, तो उस किस्म का जो इन्वायरमेंट होगा उसमें हम प्रोसेस कॉस्टिंग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, प्रोसेस कॉस्टिंग इज यूज व्हेन द कंपनी इज मैस प्रोड्यूसिंग सेम आइटम एंड आइटम गोज टू नंबर ऑफ डिफरेंट स्टेजेस। इसका यही मतलब है कि एक ही चीज़ कंपनी बना रही है और उस चीज़ को बनाने के लिए कंपनी को उसको डिफरेंट स्टेजेस से, डिफरेंट प्रोसेस से उसको गो थ्रू कराना पड़ता है। प्रोसेस कॉस्टिंग को आप कॉन्टीन्यूस ऑपरेशन कॉस्टिंग भी कह सकते हो, इसका दूसरा नाम है। और एग्जाम्पल्स बहुत सारी हैं, केमिकल इंडस्ट्रीज होती हैं जिनमें जो केमिकल बन रहा होता है डिफरेंट प्रोसेस से गो थ्रू होकर बन रहा होता है। सीमेंट इंडस्ट्री होगी, ऑयल, पेंट, टेक्सटाइल, क्योंकि इनमें डिफरेंट प्रोसेस से गो थ्रू के इनका फिनिश यूनिट आता है, तो ऐसी इंडस्ट्रीज में आप प्रोसेस कॉस्टिंग इस्तेमाल करते हो। सही है। अब प्रोसेस कॉस्टिंग की जो एवरेज कॉस्ट पर यूनिट है उसको निकालने का फॉर्मूला क्या है? नेट कॉस्ट ऑफ इनपुट डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड आउटपुट। यानी कि जो इनपुट आपने किया है, जो मटेरियल किया होगा, या जो आपकी लेबर की कॉस्ट होगी, या जो ओवरहेड की कॉस्ट होगी, उसको आपने डिवाइड कर देना है आपके आउटपुट से, तो आपके पास प्रोसेस कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी। सही है। अब प्रोसेस कॉस्टिंग में देखें, मैंने आपसे कहा था कि प्रोडक्ट डिफरेंट स्टेजेस से पास थ्रू होता है, तो जो आउटपुट होता है एक प्रोसेस का वो अगले प्रोसेस का इनपुट बन जाता है, क्योंकि डिफरेंट स्टेजेस से गो थ्रू हो रहा है ना। एक प्रोसेस से जाएगा, उसमें से जो आपका यूनिट आउटपुट निकलेगा वो अगले प्रोसेस का इनपुट होगा, फिर उसका जो आउटपुट होगा वो अगले का इनपुट होगा, देन वो फिनिश यूनिट बन जाएगा। तो प्रोसेस कॉस्टिंग की जो अगर फ्लो चार्ट है वो ऐसे होता है। देखें, यहाँ से इनपुट आपने दिया प्रोसेस वन में, इनपुट में आपका क्या क्या था? आपने मटेरियल था, आपका लेबर कॉस्ट थी, आपकी ओवरहेड कॉस्ट थी। अब इस प्रोसेस वन से गो थ्रू होकर जो आउटपुट बना वो दोबारा प्रोसेस टू का इनपुट होगा। ठीक है, उसमें आप फिर एडिशनल मटेरियल डालोगे, एडिशनल लेबर डालोगे, एडिशनल ओवरहेड्स डालोगे, ओवरहेड्स यानी कि एक्सपेंसेस इनकर करोगे, फिर जो इसका आउटपुट होगा वो नेक्स्ट प्रोसेस का इनपुट हो जाएगा, फिर उसमें आप इसे एडिशनल करते हो और एट द एंड जो है आपका फिनिश प्रोडक्ट बन जाता है, यूनिट बन जाता है। अब प्रोसेस अकाउंट एक होता है जिसके थ्रू आप मतलब चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हो। देखिए, प्रोसेस अकाउंट सिंपल सा अकाउंट है। यहाँ पर केजी डॉलर मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पर केजी डॉलर, केजी का मतलब ये है कि जो मटेरियल्स हैं वो मैं उसकी वैल्यू लिखूंगा कि यार केजी में कितने हैं और डॉलर में उसकी वैल्यू कितनी है, वो आपको सवाल में दिया जाएगा। लेबर कॉस्ट लिखूंगा, एक्सपेंसेस। अब जो टोटल होता है, टोटल इस साइड का टोटल और इस साइड का टोटल बराबर होता है। ठीक है, ये दोनों साइड्स जो हैं, ये साइड और ये साइड और ये साइड और ये वाली साइड, ये आपस में बराबर होनी चाहिए। अकाउंट का मकसद यही होता है। तो अगर ये आपस में बराबर होती है तो हम बैलेंसिंग फिगर के थ्रू भी जो है ना आंसर अपने निकाल सकते हैं। ठीक है, ये बात समझ आई है आपको? अब एक इसकी एग्जांपल करते हैं। अब ये देखें, ये पढ़ें ये एग्जांपल। इलस्ट्रेशन पढ़ें ये वाला। Operation involves two processes. The data for the first process during a particular period is as follows. At the beginning of the period, 2500 kg materials are introduced to the process at a cost of $3,500. These materials are the work upon using $600 of labor and incurring absorbing $450 of overheads. अब the resulting output is passed to the second process. अब हमने बताना है कि यार कितने वैल्यू का आउटपुट जो है वो सेकंड प्रोसेस से पास करेगा। तो टी अकाउंट मैंने ये बनाया हुआ है। ठीक है, अब इसमें आपने जस्ट चीजें पुट करनी है। बिलाल, आप आ चुके हैं क्लास में? जी सर, सही है। प्रोसेस कॉस्टिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये प्रोसेस अकाउंट है आपके पास, ये बना हुआ भी होगा। अब देखें, अब आपने बताना है कि यार आउटपुट कितना सेकंड प्रोसेस पे पास किया है। अब मैं टी अकाउंट बनाता हूँ। एक तरफ आता था केजी यहाँ पर और दूसरी तरफ आता था डॉलर। ये आपने समझना है, यू भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, केजी और डॉलर।
सबसे पहले मैंने कहा था यहाँ पर क्या आएगा, मटेरियल, मटेरियल को मैं एम से लिखता हूँ, तो मटेरियल कितना आपने इनपुट किया यू? तो केजी के नीचे मैंने लिख दिया 2500, और उस मटेरियल की वैल्यू कितनी थी डॉलर में? 3500। उसके अलावा प्रोसेस अकाउंट में अगली चीज क्या क्या थी? लेबर और एक्सपेंस लिखना, एक्सपेंस से मुराद ओवर एड ही होता है, ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आ जाते हैं, एक ही बात है। अब लेबर कितना था? लेबर था $600। देखिए लेबर डॉलर में ही होता है, लेबर कोई केजी में नहीं होता, तो बस यहाँ पर इसका लिख देना। और बाकी जो ओवर एड्स हैं वो कितने? 450। 450। अब मैं इन दोनों साइडों का टोटल करूंगा, तो टोटल मुझे बताएं क्या होगा दोनों साइडों का? ये केजी के ये तो 2500 आ जाएगा, और दूसरी साइड के टोटल बताएं क्या होगा? फोर्टी फाइव 550 आ जाएगा, इतना ही आ रहा है। जी ऐसा ही है। देखिए आप ये जो इनपुट आपने किया है, ये अगले प्रोसेस का क्या बन जाएगा? आउटपुट। ये मैंने क्या लिखा हुआ है? ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, कि इतना आप नेक्स्ट प्रोसेस में ले जाओगे। तो ये जो है, मैंने आपको बताया है कि ये साइड और ये साइड हमेशा बैलेंसिंग होती है, ठीक है, एक जैसी होती है। तो सिंपली आप यहाँ पर लिखोगे ट्रांसफर, यानी कि नेक्स्ट प्रोसेस में आपने कितना ट्रांसफर करना है। तो ये साइड जो है, ये साइड बराबर होती है, तो ऑब्वियसली जितना भी हमारा इनपुट आया वो सारे का सारा अगले प्रोसेस का आउटपुट आएगा, और उसकी कॉस्ट ये होगी, ठीक है। ये समझ आया टी अकाउंट आपको? कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला मैंने आपको अभी क्या बताया था? कॉस्ट पर यूनिट का क्या फॉर्मूला है? नेट कॉस्ट ऑफ इनपुट डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड आउटपुट। आप मुझे बताएं इनपुट की कॉस्ट क्या है, टोटल कॉस्ट इनपुट की, 4550। और आउटपुट कितने हैं? आउटपुट भी 4550 है। आउटपुट आपने केजीज में बताना होता है, कॉस्ट में नहीं बताना होता कि इतना आउटपुट है। ये आउटपुट है 2500 केजी, जो आपका इनपुट था वही आपका बेसिकली आउटपुट है ना, जो ट्रांसफर आप करें नेक्स्ट प्रोसेस में। देखिए आउटपुट जो है वो केजी या यूनिट्स या लीटर्स में होता है, वो तो कॉस्ट है ना, ऊपर कॉस्ट लिख दी कि इनपुट की कॉस्ट कितनी थी, और आउटपुट जो है एक्सपेक्टेड कितना था, 2500 केजी, क्योंकि 2500 हमने डाला है तो अगले प्रोसेस में भी 2500 ही जाएगा ना, ठीक है सर। तो कॉस्ट पर यूनिट मुझे बताएं क्या आ गई है? तो ये कॉस्ट पर यूनिट है प्रोसेस की, इतना आउटपुट जो है वो 2500 केजी है, जो कि अगले प्रोसेस का इनपुट बनेगा, और उसकी कॉस्ट 4550 है। समझ आई आपको? ये क्लियर है जी सर? बिलाल क्लियर है आपको ये? जी सर। ऐसे ही आपने करना है, ठीक है, 1.82 आ गया। अब आगे मूव करते हैं, ये टी अकाउंट वगैरह बना दीजिएगा, ये फॉर्मूला बड़ा ज़रूरी है। अब मसला ये आता है कि कभी कभार जब आप इनपुट डालते हो प्रोसेस में, तो सारे का सारा वो आउटपुट नहीं बनता, क्यों? लॉसेस की वजह से। लॉसेस कैसे हो सकते हैं? हो सकता है कि आपका इनपुट कोई डैमेज हो गया हो सकता है आपका जो, अगर बेसिकली जो इनपुट था वो लीटर्स में था या वाटर की फॉर्म में था, लिक्विड फॉर्म में था, इवेपोरेशन के दौरान उसके वेपर्स वो चले गए, थोड़ा वो वेस्ट हो गया हो, कम हो गया हो, ठीक है, लॉस आ गया हो, वेस्टेज की वजह से हो सकता है। तो प्रोसेस में काफ़ी इश्यूज आते हैं कि आपका जो इनपुट होता है वो पूरा के पूरा आउटपुट नहीं बनता, कुछ वहाँ पर लॉस हो जाता है, ठीक है। तो वो लॉस जो कि आप एक्सपेक्ट करते हो, आपको पता होता है प्रोसेस के शुरू में कि यार मैं अगर 100% इनपुट डालूंगा तो मेरा 90% आउटपुट आएगा, तो जो लॉस आपको पता होता है, आपने एक्सपेक्ट किया होता है, उसको आप कहते हो नॉर्मल लॉस, सही है। प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले यूब या और बिलाल, आपको पता हो कि यार अगर मैं जब इनपुट 100% डालूंगा तो मेरा इतना लॉस होगा, तो वो लॉस आपका नॉर्मल लॉस कहलाता है, ठीक है, एक्सपेक्टेड लॉस इज नोन एज नॉर्मल लॉस। अब अगर आपका प्रोसेस में नॉर्मल लॉस आ जाए तो आपके फॉर्मूले में कुछ चेंजेस आ जाती हैं, ठीक है,
एवरेज कॉस्ट पर यूनिट का जो आपका फॉर्मूला था वो क्या था, नेट कॉस्ट ऑफ इनपुट डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड आउटपुट। तो अब एक्सपेक्टेड आउटपुट कम हो जाएगा ना यूप, क्योंकि लॉस आ गया है, एक्सपेक्टेड आउटपुट कम हो जाएगा, तो इनपुट में से जो लॉस आया है ना, लॉस वो आपने माइनस कर देना है, बाकी ऊपर जो नेट कॉस्ट इनपुट की है वो तो सेम आएगी, कि आपने कितना मटेरियल लगाया, कितना लेबर लगाया, कितना ओवरहेड्स लगाए। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ भी है इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट प्लस लॉस। अब आपको पता कैसे चलेगा लॉस क्या है, लॉस कैसे है? अब आपने सवाल को गौर से देखना है, सवाल में उसने इनपुट दिया होगा मिसाल के तौर पर 1000 kg, और अगर आउटपुट दिया वो 900 kg है, तो इसका क्या मतलब है कितने का लॉस है, 100 का, या वो परसेंटेज में बता देगा। ठीक है, अब टी अकाउंट में क्या डिफरेंस आ जाएगा, ये तो आपने नॉर्मल यू प्रोसेस अकाउंट बनाया था ना, नॉर्मल था यानी कि जिसमें कोई लॉस नहीं था। प्रोसेस अकाउंट में हमेशा आपने याद रखना है यूप की ये जो केजी के नीचे वाली साइड है और इस साइड जो दूसरी साइड है क्रेडिट साइड है और डॉलर वाली, ये आपस में हमेशा सेम होती है, इक्वल होती है। ठीक है, तो इससे आप बैलेंसिंग फिगर निकाल सकते हो। अब थोड़ी चेंजेस ये आएंगे कि यार जो नेक्स्ट प्रोसेस में यू पहले सारे का सारा ट्रांसफर हो रहा था ना, पिछली एग्जांपल में हमने 2500 केजी डाला तो 2500 का 2500 ट्रांसफर हो रहा था ना, लेकिन अब नॉर्मल लॉस आ जाएगा, तो यहाँ पर केजी में आपका पूरा इनपुट नहीं आएगा, पूरे केजी नहीं आएंगे, कम आएंगे और जो बाकी होंगे वो नॉर्मल लॉस की हेडिंग के नीचे आ जाएंगे। सही है, जो लॉस होता है यू उस लॉस किधर आएगा, ये यहाँ पर आएगा नॉर्मल लॉस, ये एन लॉस जो मैंने लिखा है लॉस है। ठीक है, बाकी जो आउटपुट आपका होगा जाहिर सी बात है वो यहाँ पर आप लिख देंगे, जितना आपका आउटपुट आया है जो लॉस हो गया वो यूनिट्स यहाँ पर लिख देंगे, टोटल वैसे भी सेम आएगा। ठीक है, लॉस की कोई वैल्यू नहीं होती है यूप, तो यहाँ पर जीरो आएगा। ठीक है, लॉस की कोई वैल्यू नहीं होती तो डॉलर के नीचे जीरो आएगा, बाकी सारी की सारी अमाउंट यहाँ पर ऊपर बैलेंसिंग आ जाएगी। ये बात समझ आई है? जी हाँ जी, मतलब अगर हमें 100 ग्राम पे लॉस होता है तो केजी में आ जाएगा। बिल्कुल, अब एवरेज कॉस्ट पर यूनिट का भी मैंने आपको बता दिया, अब ये इलस्ट्रेशन है, अब इस इलस्ट्रेशन को सॉल्व करते हैं। अब आप इसको रीड करें, एट द स्टार्ट ऑफ द हीटिंग प्रोसेस 1000 केजी ऑफ मटेरियल कॉस्टिंग $16 इज इनपुट ड्यूरिंग द प्रोसेस, कन्वर्जन कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन कॉस्ट का मतलब होता है लेबर और ओवरहेड्स। ठीक है, तो बस कंफ्यूज नहीं होना आपको, लेबर और ओवरहेड्स इकट्ठे नहीं लिखने, ये साथ ही इसने दे दिए। ठीक है, कन्वर्जन का मतलब होता है लेबर और ओवरहेड की इकट्ठी कॉस्ट। पढ़े आगे, नॉर्मल लॉस थ्रू ए ऑपरेशन इज एक्सपेक्टेड टू बी 10% ऑफ इनपुट ड्यूरिंग मार्च 1000 केजी वर इनपुट एंड आउटपुट वाज 900 केजी। पहले मैं सिंपल फॉर्मूले के थ्रू करता हूँ, एवरेज कॉस्ट पर यूनिट निकालता हूँ, नेट कॉस्ट ऑफ इनपुट डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड आउटपुट। बिलाल मुझे बताएं इनपुट की नेट कॉस्ट कितनी है, सारी चीज़ें आपको दी हुई हैं, इनपुट में मटेरियल है, इनपुट में लेबर है, तो कितनी कॉस्ट है दोनों की? इनपुट मटेरियल मटेरियल की कितनी कॉस्ट है? मटेरियल की कॉस्ट है 16 per kg। टोटल कॉस्ट बताएं ना आप, मटेरियल की टोटल कॉस्ट है 16,000। और कौन सी कॉस्ट है? और है मटेरियल कॉस्ट है, फिर हमारे पास कन्वर्जन कॉस्ट है, वो कितनी है? 2000। तो ये हमारे पास आगे इनपुट की कॉस्ट। ठीक है, ये हमने इनपुट किया है ये सारा कुछ। अब मुझे बताएं एक्सपेक्टेड आउटपुट कितना है, आप मुझे बताएं एक्सपेक्टेड आउटपुट कितना है? आउटपुट 10% ऑफ द इनपुट है, तो इसका 10% एक्सपेक्टेड आउटपुट कितना है बिलाल, एक्सपेक्टेड आउटपुट कितना है? 10% ऑफ इनपुट है ना, तो ये क्या ये क्या लिखा हुआ है? ये तो नॉर्मल लॉस है 10% इनपुट का बिलाल, नॉर्मल लॉस है, आउटपुट तो नहीं है। एक्सपेक्टेड है 900 kg है। ठीक है, यूप समझ आ गई आपको एक्सपेक्टेड आउटपुट कैसे आया है? जी सर। दूसरा, ये सवाल में इसने 10% के अलावा आपको दे भी दिया था ये 900 kg, अगर आप क्वेश्चन को पूरा रीड करते तो आपको इतना मसला ना होता, 900 kg ऑलरेडी दिया हुआ था।
ये तो नॉर्मल लॉस है, ये एक्सपेक्टेड आउटपुट कहाँ से आ गया? एक्सपेक्टेड आउटपुट का तो मतलब ही होता है कि जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। 1000 kg आपने डाला है, 10% आपको पता है लॉस आएगा, तो आउटपुट कितना हुआ? 900 kg। अब इसकी कॉस्ट पर यूनिट निकालें कितनी होगी, एवरेज कॉस्ट पर यूनिट। The 16002.2 18,000 को 900 से डिवाइड करें तो इस तरह का आंसर तो नहीं आएगा। टोटल इनपुट की कॉस्ट 18,000 है ना, यू 16,000 प्लस 2,000 18,000 डिवाइडेड बाय 900 कर 20 आ जाएगा। 20 है कॉस्ट पर यूनिट, 20 है। अब मैं इसको टी अकाउंट से करता हूँ, यहाँ पर आ जाएगा केजी, यहाँ पर आ जाएगा डॉलर, यहाँ पर आ जाएगा केजी, यहाँ पर आ जाएगा डॉलर। अब मुझे बताएं मटेरियल कितना है? 1000 की। 1000 है, उसकी वैल्यू कितनी है मटेरियल की 1000 की? 16,000। बिल्कुल। उसके अलावा कन्वर्जन कॉस्ट कितनी है? 2000 आ गई। टोटल कॉस्ट आ गई यहाँ पर, आ गई 18,000, और यहाँ पर जो मटेरियल आ गया वो आ गया 1,000। अब आपको पता है कि ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या होती है, बैलेंसिंग होती है, तो यहाँ पर भी ये आएगा। अब हम निकालते हैं कि नेक्स्ट प्रोसेस में कितना ट्रांसफर होगा, क्योंकि नॉर्मल लॉस है तो यहाँ पर मैं नॉर्मल नॉर्मल लॉस भी लिखूंगा। नॉर्मल लॉस कितने के जी है? 100 kg है, तो कितना जाएगा आगे प्रोसेस में? 900। और नॉर्मल लॉस की कोई वैल्यू नहीं होती, तो इस 900 की वैल्यू है यूब, यही आ जाएगी 18,000, क्योंकि ये बैलेंसिंग है ना, 18,000 18,000। यहाँ पर अगर जीरो है तो टोटल, अगर यहाँ पर 18,000 है तो यहाँ पर भी 18,000 आना चाहिए ना जी। तो देखें ऐसे आपने करना है, समझ आई है बिलाल आपको? जी सर। तो आप यहाँ से भी यूब, आप 18,000 को 900 से सीधा डिवाइड करें, आपको पता है कि नेक्स्ट प्रोसेस में 900 kg जा रहा है और उसकी वैल्यू 18,000 है, तो 18,000 को 900 से डिवाइड करें तो आपका 20 आंसर आ जाएगा। समझ आई है नॉर्मल लॉस की? किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। कोई क्वेश्चन है बिलाल? अब देखें ये प्रोसेस अकाउंट, अब एक और कॉन्सेप्ट है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और ये लास्ट कॉन्सेप्ट है और थोड़ा ट्रिकी भी, आपको समझने की जरूरत है, इक्विवेलेंट यूनिट्स वाला। देखें जब आप प्रोसेस कॉस्टिंग करते हैं यूब, अभी हमने बात की थी कि यार इतना इतने आपने यूनिट्स डाले, इतना आउटपुट लॉस हुआ और नॉर्मल लॉस वगैरह आ गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि कुछ प्रोसेस कॉस्टिंग में कुछ ऐसी ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि पूरे कंप्लीट नहीं होते पीरियड के एंड पे, ठीक है? यानी कि मिसाल के तौर पर गाड़ी है, गाड़ी हो सकता है कि उसके पूरी वो मैन्युफैक्चर नहीं हुई हो, आधी बनी हो, पार्ट्स उसके अभी असेंबल होना बाकी हो, फिनिशिंग टच देना उसको बाकी हो, क्योंकि गाड़ी एक प्रोसेस कॉस्टिंग की, मैन्युफैक्चरिंग कार्स एक प्रोसेस कॉस्टिंग की टाइप है ना। तो जिस प्रोसेस में अगर आपका प्रोडक्ट जो है, जो आप नेक्स्ट नेक्स्ट ट्रांसफर कर रहे हो ना यूब, अगर वो हाफ बना हो, मतलब अभी पूरा बना हुआ भी ना हो, तो वो जो है ना उसको ट्रीट करने के लिए, उसको यानी कि हमें मतलब समझने के लिए हम कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है इक्विवेलेंट यूनिट्स। मैं आपको समझाता हूँ। अब मिसाल के तौर पर जो हमने यहाँ पर 1000 kg जो ट्रांसफर किया था, अगर यहाँ पर जो ट्रांसफर हमने पूरा पूरा किया था, हो सकता है कि जो आउटपुट हम ट्रांसफर कर रहे हैं वो केजीज में ना हो, यूनिट्स में हो, लेकिन वो यूनिट्स अयूब आधे बने हो, आधे कंप्लीट हो, ठीक है? आधे कंप्लीट हो तो फिर प्रॉब्लम आ जाती है। प्रॉब्लम ये आ जाती है कि यार अभी तक पूरे हमारे यूनिट्स कंप्लीट नहीं हुए, तो प्रॉब्लम ये आती है कि यार जो प्रोसेस कॉस्ट है उसको हमने कैसे शेयर करना है, जो कंप्लीट यूनिट्स हैं उन पे कितनी कॉस्ट होनी चाहिए, उनकी कितनी कॉस्ट होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए ना कि अगले प्रोसेस में जो यूनिट्स जा रहे हैं उन पे इतना खर्चा हो चुका है। और जो भी पार्शियली कंप्लीटेड यूनिट्स हैं जिनको आप वर्क इन प्रोग्रेस कहते हो, ठीक है, वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब यही होता है कि यार जो काम अभी बाकी हो, जो चल रहा हो अभी। तो ये पढ़े, ये सेकंड लाइन क्या लिखी हुई है बिलाल, आप पढ़े ये वाली, ये ऊपर वाले भी पढ़े। प्रोसेस कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग मे आल्सो बी यूज्ड व्हेन प्रोडक्ट्स मे नॉट बी कंप्लीटेड एट द एंड ऑफ द पीरियड, एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग कार्स। Or second is, so process cost will be shared between complete units and partially completed units, work in progress.
बिल्कुल, पार्शियली कंप्लीटेड यूनिट्स को आप वर्क इन प्रोग्रेस कहते हो, ठीक है ना यू, क्योंकि उन पे भी काम बाकी है ना। तो क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस आपका होगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ CWIP, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, के वो वर्क इन प्रोग्रेस जो कि अभी साल के आखिर में आपका मुकम्मल नहीं हुआ, अभी चल रहा है। अब ये जो हम शेयर करते हैं ना, ये शेयर करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि यार हमें पता होना चाहिए कि जो कंप्लीट यूनिट्स हैं उन पर कितना खर्चा हमारा हुआ है, कितनी कॉस्ट लगी है, और जो इनकम्प्लीट है उन पर कितनी कॉस्ट लग चुकी है। अब उसको कंप्लीट उसको निकालने के लिए हम एक कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है इक्विवेलेंट यूनिट्स। इक्विवेलेंट यूनिट्स हम कैसे निकालते हैं कि जो नंबर ऑफ फिजिकल यूनिट्स होते हैं उनको आप मल्टीप्लाई कर देते हो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन से। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, देखिए यूब, आपने जो है 100 यूनिट्स बनाए, वो आपके थे 100% कंप्लीट, ठीक है। फिर आपकी 100 यूनिट्स जो थे बाकी वो जस्ट 50% कंप्लीट थे। तो जो 100 यूनिट्स 50% कंप्लीट हैं उनको हम कहेंगे यू 50 इक्विवेलेंट यूनिट्स, के 100 यूनिट जो कि 50% मुकम्मल हैं, हम उनको 50 इक्विवेलेंट यूनिट के हिसाब से ट्रीट करेंगे। ये बात समझ आई है? रिपीट कर दोबारा। देखें जो यूनिट्स आपके पार्टली कंप्लीट हैं, आपने उन यूनिट्स को जो अभी रहते हैं जिन पे अभी काम चल रहा है क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस के, उनको मल्टीप्लाई कर देना है उनकी कंप्लीशन की परसेंटेज से कि कितने परसेंट वो कंप्लीट हैं। तो जो आंसर आएगा वो हमारा इक्विवेलेंट यूनिट का आंसर आएगा, ठीक है। कि 100 यूनिट्स जो कि अभी कंप्लीट नहीं हुए, जो कि जस्ट 50% कंप्लीट है, हम कहेंगे कि यार वो 50 इक्विवेलेंट यूनिट्स के बराबर है, ठीक है। तो अब ये मैं बोलता हूँ एग्जाम्पल, उसे आप करते हैं। अब ये एग्जाम्पल है, ठीक है। अब ये पूरी स्टेटमेंट है इक्विवेलेंट यूनिट्स की, इसके थ्रू आपने एग्जाम्पल करनी है। ये स्टेटमेंट जो है ना, दोनों ज़रा जल्दी जल्दी अपने पास नोट डाउन कर लें, खाली बना लें इसी तरह की जैसे मैंने बनाई हुई है। मैं फिर आपको एग्जाम्पल कराता हूँ, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, बस ये लास्ट चीज़ है इसमें, ये कॉन्सेप्ट, इसके बाद ये फिनिश है चैप्टर। ये अपने पास बनाए, कैसे आपने करना है मैं आपको बताता हूँ। बनाए और मुझे बताएं कि आप लोग बना चुके हैं, फिर मैं एग्जाम्पल स्टार्ट करूँ। बना लिया आपने? बना लिया। ठीक है, आपका भी बन गया। बिलाल ऊपर क्या लिखा है? किसके ऊपर? टोटल प्रोग्रेस लिखा है, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। यस, CWIP, यानी कि वो यूनिट्स जो अभी पूरे बने नहीं है, वो फिनिश यूनिट्स का मतलब होता है मुकम्मल जो है। बिलाल आपने बना लिया? बिलाल ठीक है। अब ये इलस्ट्रेशन है, अब ये पढ़ें आप लोग। EM Limited is a manufacturer in period when the following production occurred, started 1400 units, closing work in progress 400 units. अब यहाँ पर स्टॉप कर दें दोनों। अब मैं आपसे सवाल पूछूंगा, दोनों ने मुझे बताना है। वो कह रहा है कि एक लिमिटेड, ये EM लिमिटेड कंपनी है, वो मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है, उसने जो है इस पीरियड में जो है 1400 यूनिट्स शुरू किए थे, यानी कि मिसाल के तौर पर 1400 गाड़ियां उसने बनाई।
क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस में 400 गाड़ियां, यानी कि 400 अभी रहती हैं, तो मुकम्मल कितनी की होंगी स्पीड में से? हजार की 1000 उसने, यानी कि फिनिश कर रही होंगी, तो फिनिश यूनिट्स आपके कितने आ गए? 1000 और 400 आपका क्या आ जाएगा? क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, तो मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, फिनिश यूनिट्स आपके आ गए 1000, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस आपका आ गया 400। पहली बात ये समझ आई, और टोटल आपके यूनिट्स आ गए 1400। अब बात कर लेते, अब देखते हैं कि यार कौन कितना कंप्लीट है। अब आगे पढ़े यूबी क्या लिखा हुआ है? डिग्री ऑफ कंप्लीशन ऑफ क्लोजिंग वर्किंग प्रोग्रेस मटेरियल्स 100%, कन्वर्जन 50%। इसका मतलब आपको पता है बिलाल क्या है, ये क्या कहना चाह रहा है इसमें? जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस है वो इतने इतने परसेंट कंप्लीट है, क्या कहने का मतलब है इसके? इसका कन्वर्जन कन्वर्जन रेट 50% होगा, व्हिच इज सिंपली इसमें आपको ये बता रहा है कि जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस है वो मटेरियल के एतबार से 100% मुकम्मल है, यानी कि उस पे आपने जो मटेरियल लगाना था वो लगा लिया, बस लेबर का काम रहता है और बाकी एक्सपेंस उस पे लगाना रहते हैं। ठीक है, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस अयूब 100% का मतलब यही होता है ना कि आपका अभी मटेरियल आपने लगा दिया, मटेरियल आपका सारा वो हो गया, जस्ट आपने अभी उसमें लेबर ने उस मटेरियल को इस्तेमाल करके उसको यानी कि काम करना है, असेंबल करना है, और आपने बाकी एक्सपेंस लगाने जी। अब अयूब मुझे आप एक बात बताएं कि जो फिनिश यूनिट्स हैं वो कितने परसेंट कम्प्लीट होते हैं? बिल्कुल, फिनिश यूनिट 100% कम्प्लीट होते हैं। फिनिश यूनिट का मतलब ही होता है जो मुकम्मल होते हैं, तो इसका मतलब है कि मटेरियल के हिसाब से भी वो 100% है और कन्वर्जन के हिसाब से भी वो 100% है। तो ये मैंने परसेंटेज के नीचे 100 लिख दिया। अब अयूब फिनिश यूनिट्स जो कि 100 यूनिट्स हैं और मटेरियल के हिसाब से वो 100% कंप्लीट है, इसका मतलब है मटेरियल के हिसाब से वो 1000 इक्विवेलेंट यूनिट्स के बराबर है। ये बात समझ आई कि नहीं आई? जी आई। ये हमने अलहदा अलहदा बनाना है, मैं आपको बाद में बताऊंगा क्यों। बिलाल आपको ये बात समझ आई कि नहीं आई? जी सर। इसी तरह फिनिश यूनिट्स जो के कंप्लीट होते हैं 100% 1000 है और 1000 कन्वर्जन के हिसाब से भी कंप्लीट है, तो वो कन्वर्जन के हिसाब से भी कितने इक्विवेलेंट यूनिट्स के बराबर होंगे? 1000 इक्विवेलेंट यूनिट्स के बराबर। ठीक है, 1000 यूनिट्स जो कि कन्वर्जन के हिसाब से 100% कंप्लीट हैं वो 1000 इक्विवेलेंट यूनिट्स के हिसाब के बराबर होंगे। ये दोनों बात आप लोगों को समझ आई है कि नहीं आई? मतलब जो फिनिश यूनिट्स हैं वो दोनों इतबार से मुकम्मल है, से भी मुकम्मल है और कन्वर्जन के हिसाब से। ठीक है बिलाल जी, आप जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस है यू वो मटेरियल के हिसाब से तो कंप्लीट है, लेकिन कन्वर्जन के हिसाब से जस्ट 50% कंप्लीट है। 50% तो यहाँ पर मटेरियल के नीचे तो मैं लिख दूंगा 100%, यानी कि मटेरियल के हिसाब से तो जो आपने 400 डाले, जो 400 आपके बचते हैं क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस के, मटेरियल के अतबार से वो 400 इक्विवेलेंट यूनिट्स के बराबर है, लेकिन कन्वर्जन के हिसाब से वो जस्ट 50% है, तो कितने इक्विवेलेंट यूनिट्स के बराबर होंगे दोनों बताएं मुझे? कन्वर्जन के हिसाब से जस्ट 50% मुकम्मल है, तो 400 को इक्विवेलेंट यूनिट्स निकालने के लिए आप 200 इक्विवेलेंट यूनिट्स के बराबर होंगे अयूब। ये देखें ना, इक्विवेलेंट यूनिट्स का फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ फिजिकल यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन। तो क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस के मटेरियल के एतबार से तो पूरे मुकम्मल है यू, वो तो मटेरियल के एतबार से 400 इक्विवेलेंट यूनिट है, लेकिन कन्वर्जन के हिसाब से जस्ट 50% कंप्लीट है, इसका मतलब है 400 मल्टीप्लाई बाय 50% 200 इक्विवेलेंट यूनिट्स। समझ आ गई ये दोनों को? कोई क्वेश्चन है इसमें पूछ लें आप? अलहदा अलहदा इसलिए मैं निकाल रहा हूँ क्योंकि मटेरियल और कन्वर्जन के हिसाब से डिफरेंट आएंगे। आप मटेरियल के अतबार से हमारे पास टोटल इक्विवेलेंट यूनिट्स आ गए 1000 प्लस 1400 1400 इक्विवेलेंट यूनिट्स, और कन्वर्जन के हिसाब से हमारे पास आ गए 1200 इक्विवेलेंट यूनिट्स। यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन है किसी को बताए? बिलाल
अब हमने कॉस्ट उन्होंने बताई भी है मटेरियल की इतनी है, कन्वर्जन की इतनी है, अब हमने इस कॉस्ट को स्प्लिट करना है। देखिए हमारा मकसद तो यही था ना कि हमने क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस और कंप्लीटेड यूनिट्स में कॉस्ट को स्प्लिट करना है, तो मैं यहाँ पर कॉस्ट लिख देता हूँ। अब ये लास्ट चीज़ है बड़ी इंपॉर्टेंट और आपने बड़े अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करनी है। अब जो मटीरियल की कॉस्ट है वो है 81,060 और कन्वर्जन की कॉस्ट है 71,940। अभी मैंने क्वेश्चन उठा के लिख दिया, ठीक है। अब हमने बताना है कि यार जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस के यूनिट्स हैं वो और फिनिश यूनिट्स में इस कॉस्ट को हमने कैसे स्प्लिट करना है, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम निकाल लेंगे कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट। पहले मैं निकाल रहा हूँ कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट मटीरियल की, बताएं जी मुझे टोटल कॉस्ट कितनी है मटेरियल की, मटेरियल की कॉस्ट कितनी है बताएं कोई। मटेरियल की टोटल कॉस्ट है 81,060 और मटेरियल के टोटल इक्विवेलेंट यूनिट्स कितने हैं? टोटल 1000। मटेरियल के टोटल इक्विवेलेंट यूनिट्स बिलाल ये लिखे हुए 1400 है। कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट कितना आ गया मटेरियल का, डिवाइड करके बताएं जल्दी करें। 57.9 कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट आ गया आपका 57.9 मटेरियल का। अब इसके बाद निकालना है कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट कन्वर्जन का, बताएं जी कन्वर्जन की कॉस्ट कितनी है। 71,940 और कन्वर्जन के इक्विवेलेंट यूनिट्स कितने हैं? टोटल में पूछ रहा हूँ, टोटल निकालना है तो बताएं इक्विवेलेंट यूनिट की कॉस्ट कितना। 59.9। ये अब स्टेप बाय स्टेप मैं समझा रहा हूँ, ये बस यही है, इसके बाद एक कॉन्सेप्ट है जो आपने लास्ट समझना है और दैट्स इट, आपका खत्म हो जाएगा ये प्रोसेस कॉस्टिंग। अब मुझे बताएं आप दोनों को यहाँ तक समझ आ रही है कि हम क्या कर रहे हैं? जी सर। अब जो है अयूब, जो हमने बात की थी कि हमने स्प्लिट करना है, देखिए हमने बताना है कि यार जो फिनिश यूनिट्स हैं उनमें से कॉस्ट का कितना हिस्सा जाना चाहिए और जो कन्वर्जन जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस के उनमें से कॉस्ट का कितना हिस्सा जाना चाहिए। हम बेसिकली इन दो कॉस्ट को डिवाइड करेंगे, अब मैं वो डिवीजन करने वाला हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपने सुननी है, इसको अभी यहाँ पर वक्ती तौर पर इग्नोर करें, मैं यहाँ पर डिवीजन करूँगा। अब मैं पहले जो है ना अब सवाल अब मैं आपको बारी बारी बताऊंगा, आप किट भी खोलेंगे ये रिक्वायरमेंट आएगी, एग्जामिनर भी ये पूछेगा। सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूँ कि मुझे बताओ कि यार फिनिश्ड यूनिट की कॉस्ट कितनी है, फिनिश यूनिट कॉस्ट, ठीक है, कि जो फिनिश यूनिट है उस पर आपने कितनी कॉस्ट एलोकेट कर, कितनी कॉस्ट आपने चार्ज करनी है मटीरियल की और लेबर की, ठीक है। अब पहले हम बात कर देते हैं कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट, ठीक है, कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट मटीरियल की, मटीरियल कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट कितना है 57.9 पर इक्विवेलेंट यूनिट, यही बात है। और फिनिश यूनिट्स के मटेरियल वाले इक्विवेलेंट यूनिट्स कितने हैं अयूब? 1000 पूरे। ये बात मैंने जो बोली है बिलाल समझ आई है क्या बोला है मैंने? जी सर। कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट जो है वो आपकी 57.9 है, इसका मतलब क्या है कि एक इक्विवेलेंट यूनिट पे आपने 57.9 चार्ज करना है, तो टोटल 1000 हैं फिनिश यूनिट्स के, तो 1000 को आप 57.9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मटेरियल के हिसाब से जो इसकी कॉस्ट है 1000 मल्टीप्लाई बाय 57.9 जो कि आ जाएगी 57,900। उसके बाद कन्वर्जन की जो कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट थी वो क्या थी 59.9 और कन्वर्जन के भी फिनिश यूनिट्स के कितने इक्विवेलेंट यूनिट्स हैं 1000, तो कन्वर्जन जो है
उसके अतबार से आ जाएगा 1000 मल्टीप्लाई बाई 59.9, इसका आंसर आ जाएगा 59,900। तो टोटल कॉस्ट यहाँ पर निकालने क्या आ जाएगी मटेरियल की, 57,900 और 59,900 को प्लस करें, फिर मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। लेकिन जिधर मसला हुआ साथ साथ पूछना है। क्या है, क्या है आंसर? ये टोटल कॉस्ट है, ठीक है, टोटल कॉस्ट। अब एग्जामिनर आपसे क्या पूछ सकते हैं, एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि मुझे बताओ कि विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल फिनिश यूनिट की कॉस्ट क्या है, तो वो क्या है 57,900। एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन फिनिश यूनिट की कॉस्ट क्या है, आप बोलोगे 59,900। सिंपल, अब मैं निकालता हूँ क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस की कॉस्ट। पहली रिक्वायरमेंट एग्जामिनर की ये है, मैं आप दूसरे बताता हूँ। क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस के कितने यूनिट्स थे मटेरियल के अतबार से, इक्विवेलेंट यूनिट्स? अयूब 400, और एक यूनिट की कॉस्ट क्या है 57.9 मटेरियल की। इसी तरह कन्वर्जन के हिसाब से, बिलाल आप बताइएगा, कन्वर्जन के हिसाब से क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस के कितने इक्विवेलेंट यूनिट्स हैं? कन्वर्जन के हिसाब से क्लोजिंग यूनिट्स जो है इसके हैं 200, और कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट क्या है 59.9। आप मुझे बताएं आंसर दोनों का। मटेरियल का आ रहा है 23,160, कन्वर्जन का 11,980। दोनों को ये बात समझ आई है कि नहीं आई कि मैंने क्या किया है? 11,980 यहाँ तक कोई क्वेश्चन है अगर दोनों का तो पूछ ले, अभी पूछ ले। कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। इसका 11,980 है 200 जी, सही है। अब ये जो है ना, हमने यहाँ पर कॉस्ट को स्प्लिट कर दिया है 400, 410, 7.9, इन दोनों को सम भी कर दें, क्या आंसर आता है? यहाँ तक ये नोट डाउन कर रहे हैं आप साथ साथ, ये साथ साथ नोट करें, ये जो मैंने किया है ये आप अपने पास आपने नोट किए जी सर, ये दोनों आपने किए है? यू नोट नहीं किया सर, नोट नहीं, नोट करें ना साथ, ये साथ साथ आपको पता कैसे चलेगा जब खुद जाके खोलेंगे, खुद जाके आप ये खोलेंगे तो आप सब भूल ही जाएंगे। ये मैंने एक लिखा हुआ था, आपके साथ एक सॉल्व किया था। ये जो आंसर है ना, ये 59.95 था, ये 59.9 नहीं था, 95 था। ये जो है ना, ये आपको पूरा बताना था। अब ये 59.95 से दोनों को मल्टीप्लाई करना है। आप मुझे आंसर दोबारा चेंज करवाएं। 1000 मल्टीप्लाई बाय 59,950, और नीचे वाला भी बताएं अभी। और नीचे वाला कितना है? 11,990।
और अभी टोटल भी मुझे चेंज करवाए, टोटल क्या है? सर 980 था, अब 980 150 हो जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा 57,900 प्लस 59,950 ये आ जाएगा 117,850, और ये नीचे वाला क्या आ जाएगा? और जो नीचे क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस की मटेरियल की कॉस्ट है 23,160, इसको आप लोग प्लस करें। 57,900 प्लस 23,160 ये आ जाएगा 81,060। ठीक है, इसी तरह आप कन्वर्जन वाली कॉस्ट प्लस करें। अभी असली बात मैं आपको अभी बताऊंगा, 59,950 प्लस 11,990 इसे क्या आंसर आया? 71,940। आप गौर से सुनिएगा, हमने ये सारा काम क्यों किया था? ताकि हम कॉस्ट को स्प्लिट कर सकें किस किस में, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस में और फिनिश यूनिट में। तो एट दी एंड हमने यही तो किया है, देखिए ना यू आंसर वही सेम एग्जैक्टली आ रहा है 81,060, जिसको हमने स्प्लिट कर दिया फिनिश यूनिट्स में, यानी कि मटेरियल का 57,900 और मटेरियल 23,160, यानी कि 81,060 को हमने ये देखें स्प्लिट किया है। क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस में मटेरियल का इतनी कॉस्ट आनी चाहिए और फिनिश गुड्स में इतनी आनी चाहिए। सिमिलरली जो ये 71,940 था, इसको भी हमने स्प्लिट कर दिया है कि 11,990 इसमें से क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस का भी है कॉस्ट, और ये जो इसमें से 59,950 है ये फिनिश यूनिट्स की है। हम ये सारा काम इसीलिए तो कर रहे थे ना, ये बात समझ आई है यूब आपको? सारा काम हमने यही तो करना था, इसका मकसद ही क्या था इक्विवेलेंट यूनिट का, कि कॉस्ट को स्प्लिट करना। सर ये 23,160 जो मतलब आई है, वर्किंग प्रोग्रेस, इसका मतलब ये है कि मटेरियल की जो 81,060 कॉस्ट है ना, उसमें से 23,160 जो है वो क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस में आनी चाहिए उसकी कॉस्ट है, और 57,900 वो फिनिश यूनिट्स के मटेरियल की कॉस्ट है। देखिए हमने सारा कुछ ये मतलब ये रेट हमें पहले ही पता लग जाता है, मतलब अगर चीज बन रही है कोई तो। यही तो हम करते हैं कॉस्टिंग, इसी तो हम करते हैं ना, यही कॉन्सेप्ट इसी तो इस्तेमाल करते हैं ना। हमें पता होना चाहिए कि देखें अयूब अगले प्रोसेस में तो आप कंप्लीट यूनिट्स लेके जाओगे, यही बात है। तो कंप्लीट आपको पता होना चाहिए ना यार, जो मेरा कंप्लीट यूनिट अगले प्रोसेस में लेके जा रहा हूँ उसकी कॉस्ट कितनी है, क्योंकि उसकी कॉस्ट हमें पता होगी तभी तो हम आगे उसकी कॉस्ट पर यूनिट निकाल पाएंगे ना। इसीलिए तो हम स्प्लिट करते हैं, हमें पता होना चाहिए कि जो इस प्रोसेस का कितना आउटपुट है जो आगे ट्रांसफर होगा। ये सारा काम हमने इसीलिए तो किया था। अब एग्जामिनर आपसे यू कुछ भी पूछ सकता है, वो आपसे फॉर एग्जांपल पूछ ले कि मुझे बताओ कि क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस की कन्वर्जन के हिसाब से कितनी कॉस्ट है, तो ये 11,990 है। क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस की मटेरियल के हिसाब से कितनी है, 23,160 है। फिनिश यूनिट्स की कन्वर्जन के हिसाब से कितनी है, फिनिश यूनिट की मटेरियल के हिसाब से कितनी है, फिनिश यूनिट की टोटल कितनी है, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस की टोटल कितनी है, दैट्स इट, बस यही है। एग्जामिनर यही पूछेगा आपसे, ये बात समझ आई है दोनों को आपको? ये इतनी आसानी से नहीं होता, पहले आपने ये करना है यूप, ये जो चार्ट है ये बनाना है आपने, देखना है। यहाँ पर तो मतलब क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस 100% कंप्लीट था ना मटेरियल के अतबार से, हो सकता है 80% लिखा हो, तो फिर आपने 400 को 80% से मल्टीप्लाई करके सारा कुछ करना है। बिलाल समझ आ गई आपको? जी सर मुझे आ गई। ये इक्विवेलेंट यूनिट्स का खोलेंगे वो लास्ट मेन्यू में, थोड़ा सा नोट डाउन, ये ले। असल काम हमारा यही था, हमने स्प्लिट करनी थी कॉस्ट और हमने ये काम ये यहाँ पर कर दिया, ये सारा हमने यही किया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपका MA2 में भी है, इसमें कुछ एडवांस लेवल आएगा, ये तो बड़ा बेसिक्स है। ये आपका फिर F2 में भी है, उसमें उससे भी ज़्यादा एडवांस लेवल का आएगा। कर लिए नोट यू? जी कर लिए।
ये देखें यहाँ पर ये हुआ हुआ भी है, इन्होंने सारा किया हुआ है। ये चार्ट आपको बनाना आता हो ना तो आपकी ज़िंदगी आसान है। ये देखें ये मैं आपको बना के भी दे देता हूँ। मटेरियल्स जो थे वो कितने थे, 81,060 थी उनकी कॉस्ट। कन्वर्जन की कॉस्ट कितनी थी, 71,940। आप बताएं टोटल कितनी आ जाएगी। टोटल कितनी आएगी, इन दोनों को प्लस करें। अब ये टी अकाउंट है, दोनों साइडें बैलेंस होनी चाहिए, यही बात है। अब आप मुझे बताएं यूप के क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस की यहाँ पर कॉस्ट कितनी आनी चाहिए, टोटल और फिनिश यूनिट की कितनी आनी चाहिए। ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस का मतलब यही होता है कि जो फिनिश है जो आगे लेके जाने, अ कंप्लीटेड आउटपुट, ठीक है, एक ही मतलब होता है इसका। फिनिश यूनिट की टोटल कॉस्ट कितनी है यूप? फिनिश यूनिट्स की 1,17,850। क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस की टोटल कॉस्ट कितनी है बिलाल? क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस की उसकी जो है हम सर ने टोटल बतानी है। टोटल में पूछ रहा हूँ, लिखी हुई आपके सामने ही। हाँ जी, इसकी टोटल है 1,53,000। 35,150 है क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस बिलाल, ये है, और उसकी टोटल कॉस्ट ये लिखी हुई है। अब यू भी इन दोनों को आप बेशक प्लस भी कर लें, प्लस करें आप, प्लस करके चेक करें, आंसर आपका 153,000 ही आएगा। चेक कर लें प्लस करके। समझ आई है यूब आपको? जी सर। देखें ये सारे काम करने का हमारा मकसद यही था यूब, कि हमने हमें पता होना चाहिए कि जो आउटपुट हम लेके जा रहे हैं, जो हमारा आउटपुट मुकम्मल है उसकी कितनी कॉस्ट है, और अभी जो हमारा मुकम्मल नहीं है उसकी कितनी कॉस्ट है, ताकि जो नेक्स्ट प्रोसेस में हम जाहिर सी बात है जो मुकम्मल है वही लेके जाएंगे ना, क्लोजिंग वाले तो अभी उन पर काम बाकी है। तो ये था सारा कॉन्सेप्ट। इस सब कॉन्सेप्ट के लिए आपको ये करना पड़ता था, ये सारी स्टेटमेंट बनानी पड़ती थी। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दोनों को दूंगा, वो लास्ट क्वेश्चन है, आप लोगों ने करना है, अभी करना है, बाकी मैं आपको होमवर्क दूंगा। क्वेश्चन जो है ये आप दोनों के सामने है, ये है क्वेश्चन, थोड़ा ज़ूम इन कर दूं। क्या चीज? ठीक है, मैं कह रहा था ज़ूम इन कर दूं बस, ठीक है, नजर आ रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या कह रहे हैं आप बिलाल? कुछ नहीं, कुछ नहीं, मैं क्वेश्चन देख रहा हूं। नींद तो नहीं आ गई आपको? नहीं नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही, मैं एक्चुअली क्वेश्चन देख के कह रहा था। देखिए क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन में सारा कुछ बिलाल वही लिखा हुआ है, जस्ट मटेरियल जो है ना क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस पिछले क्वेश्चन में 100% कंप्लीट था, इसमें जो है ना 80% कंप्लीट है। अब एक चीज़ बहुत, एक और लास्ट चीज़ आपको मैं बता दूँ, एक और लास्ट चीज़, ये जो है ना ये कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट है, ये भी आपसे पूछ सकता है कि मुझे बता दो कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट कितनी है मटेरियल की, कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट कितनी है कन्वर्जन की, ठीक है, ये भी आपसे वो पूछ सकते हैं। वो आपसे मतलब एक, अगर वो आपसे कहे कि एक लीटर की बताओ इसका ऑब्वियस, इस सवाल में वही इसने आपसे यही पूछा भाई, ये देख लें। पहले क्वेश्चन रीड करें आप लोग। टोटल कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, देखें टोटल कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट है यूब, इसका क्या मतलब है कि कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट मटेरियल प्लस कॉस्ट प्लस इक्विवेलेंट यूनिट ऑफ कन्वर्जन, टोटल पूछ रहे हैं ना, टोटल कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट। ये बात समझ आई है बिलाल आपको भी? जी सर। टोटल कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट पूछा है, तो इसमें कुछ इतना खासा कुछ नहीं है आपको, ये आगे स्प्लिट स्प्लिट इतना नहीं करना, आपने जस्ट ये चार्ट बनाना है, इसमें से इक्विवेलेंट यूनिट्स निकालनी है और टोटल कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट बतानी है। अभी आपके पास है 2-3-4 मिनट, ये करें फिर ये डिस्कस करते हैं। ये चार्ट आपने बनाना है,
हाँ जी क्वेश्चन और है? आंसर आया है किसी का? ये नहीं आया। बिलाल आपको चक्कर तो नहीं आ रहे? होश में ना आप? हेलो बिलाल, आप हैं भी क्लास में या नहीं? जी सर, मैं इधर ही हूँ। मैं क्वेश्चन ठीक कह है। रहा हूँ। क्या क्या आंसर आई होगा आपका? मेरा ऑप्शन ये ए? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। दाल आपका आंसर आया है कि वो कहीं दूर गया हुआ है? अभी नजदीक नहीं पहुंचा। सर मेरा क्वेश्चन जो है, मेरा आंसर जो है वो सही नहीं आया। चले ठीक नहीं है, अभी कर लेते ना। मैं अब आप मुझे साथ साथ बिल्कुल माइक आप अपना ऑन रखें, आपने म्यूट नहीं करना। मुझे साथ साथ टेबल फिल करा के दें। सबसे पहले मुझे बताएं कंप्लीट यूनिट्स कितने? कंप्लीट यूनिट्स बेसिकली हमारे 80% है, विच इज 800। गलत। कितने? 800 है ना कंप्लीट एट यूनिट्स? हंड्रेड है बिल्कुल। परसेंटेज वगैरह नहीं देखनी, सिंपली आपने देखना है कि शुरू उसने 1300 किए थे, 500 पे भी काम करना बाकी है, इसका मतलब है 800 बना चुका है। अब मुझे बताएं कि ये कितने परसेंट कंप्लीट है, जो कंप्लीटेड यूनिट्स हैं? 80%। अयूब कंप्लीटेड यूनिट्स कितने परसेंट कंप्लीट हैं? सॉरी, 100%। 100%। 100 कंप्लीटेड यूनिट्स का मतलब भी बिलाल यही होता है कि जो कंप्लीट होते हैं। तो 100% कंप्लीट है, तो इसका मतलब है 800 मल्टीप्लाई बाय 100, यहाँ पर आ जाएगा 800 इक्विवेलेंट यूनिट्स। कन्वर्जन के हिसाब से भी कंप्लीट है, तो यहाँ पर भी आ जाएगा 800 इक्विवेलेंट यूनिट्स। क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस कितने हैं बिलाल? क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस है हमारे 500 यूनिट्स। मटेरियल के हिसाब से कितने परसेंट कंप्लीट है? मटेरियल के हिसाब से 80%। तो क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस 500 यूनिट्स, जो कि मटेरियल के हिसाब से 80% कंप्लीट है, कितने इक्विवेलेंट यूनिट्स के बराबर होगा? इसको एक सेकेंड, ये होगा 400। 400। कन्वर्जन के हिसाब से कितना कंप्लीट है क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस? कन्वर्जन के हिसाब से ये कंप्लीट है 50%। तो कितने इक्विवेलेंट यूनिट्स के बराबर होगा? 500 यूनिट्स जो कि कन्वर्जन के हिसाब से 50% कंप्लीट हैं, कितने इक्विवेलेंट यूनिट्स के बराबर होंगे? 250। 250। यहाँ पर आप टोटल बता दें, टोटल यहाँ पर कितने इक्विवेलेंट यूनिट्स आ गए मटेरियल के? 1200, और यहाँ पर कन्वर्जन के आगे 1050। यहाँ तक आपने ठीक ही है? हाँ जी सर, एक तो फिर सेकेंड। आप या और क्या आपने गलत की है? इसी तरह तो करना था। अब कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट निकालनी है, बताएं कितनी होगी मटेरियल की?
मटेरियल की कॉस्ट कितनी है बिलाल? हाँ जी सर, सो बेसिकली मैंने ये जो है ना गलती यहाँ पे आई थिंक मैंने कन्वर्जन में शायद की होगी। एनीवेज मटेरियल जो है कॉस्ट पर इक्विवेलेंट हमने यहाँ पे टोटल कॉस्ट लिखनी है ना, कितनी है टोटल कॉस्ट मटेरियल की? टोटल कॉस्ट है मटेरियल की 1200। 1200 कहाँ पर लिखा हुआ है? और यूनिट्स कितने हैं मटेरियल के इक्विवेलेंट? यूनिट्स टोटल है इसके मटेरियल के 800 कंप्लीटेड यूनिट्स हैं। बिलाल यहाँ टोटल यहाँ पर कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट बताना है, टोटल यूनिट्स बताने हमने। 1200 कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट आ जाएगी मटेरियल की 6। कन्वर्जन की बताएं कितनी आएगी, कितनी है कॉस्ट कन्वर्जन की? 4200। कन्वर्जन की 4200 डिवाइड बाय और यूनिट्स है 1050, तो 4। आप उसने आपसे सवाल में टोटल कॉस्ट पूछी है, टोटल कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट, तो इन दोनों को आप कॉस्ट पर यूनिट को ऐड कर दें, 10 आंसर आ जाएगा आपका। यू अब रिक्वायरमेंट ऐसी ही आएगी, ठीक है? वो आपसे हो सकता है पूछ ले, आप मुझे बताएं कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट मटेरियल की कितनी है, ठीक है? वो आपसे हो सकता है पूछ ले कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट कन्वर्जन की कितनी है, और जो हमने स्प्लिट किया वो भी आपसे पूछ सकता है, मैक्सिमम यही एग्जामिनर आपसे पूछेगा। इसके बाद हमारा पास कोई इतना ज्यादा रह नहीं गया कोर्स, एक रेशियो का चैप्टर है, उसमें कुछ फॉर्मूलाज हैं बस, और उसके बाद स्प्रेडशीट है, दैट्स इट। रजिस्ट्रेशन वाला अपना काम करें, कोई सर समीर से बात करके उनसे नंबर ले लें, एसी से को कॉल करके पूछते हैं उनसे, जल्दी जल्दी हो जाए। कर लिया नोट डाउन? आप नोट ही कर लिया आपने? जी बस यही था हमारा, सही है।